जजिसी का एकदम से कंपटीशन में आना, आपको अपना पार्टनर बनाना, आपको ये कंपटीशन जितवाना और उसके बाद उनका गायब हो जाना। शायद अनदेखे मसीहा और गॉडफादर ऐसे ही होते हैं, जरूरत के टाइम पे मदद करना और चले जाना। क्या कहेंगे आप इस बारे में? शायद मैं उस मसीहे को आपसे मिलवाने में मदद कर सकती हूँ। ऋषि, आप ही है ना मेरे मसीहा। मेरे गॉडफादर, मिस्टर जासीसी, तो आप ही मीडिया को भी नहीं बता देते कि आपने मेरी मदद क्यों की? इसलिए ना, ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। आपको क्या लगा था मुझे पता नहीं लगेगा? गुस्सैल हूं, बदतमीज हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। से पता था? एक हफ्ते से। इतने दिनों से आपको पता था और आपने कितनी आसानी से अपने आंसुओं को छुपा लिया, मुझ पर जाहिर भी नहीं होने दिया कि आपको सब कुछ पता है। राज छुपाना आपने कब से सीखा? कहां छुपा पाया, सब तो पता चल गया ना। लेकिन आपको कैसे शक हुआ? आपकी इन भोली आंखों में झांककर, आपकी आंखें जो अपने आंसू नहीं रोक पा रही है, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी, प्लीज मत जाना। आपके ये हमारे साथ क्या क्या हो रहा है? मत जाना प्लीज। पहले मुझे लगा था कि आपको कुछ नहीं पता, तो सब कुछ ठीक है। और जब आपको पता लग गया तो आप मुझे जाने नहीं देना चाहते कि हमारे साथ तीन वर्ष ही मैं मरना नहीं चाहती, आपके साथ जीना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसे ऐसे नहीं मरना चाहती। ऋषि, आपका ऋषि है ना, कुछ भी नहीं होने दूंगा। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे।
जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। सही कहा था आपने, आज की डेट में पैसा प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। वो सब तो ठीक, पर पहले ये बता कि तुझे वक्त कितना चाहिए। मैं जिंदगी भर इंतजार नहीं करूंगा। Has to be time bound। 6 दिन की मोहलत दे दीजिए। 6 दिन के बाद मैं मेरी श्रीमती जी और उनकी फैमिली से रिश्ता नाता तोड़कर आपके पास हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। उन 6 दिनों में उनका ट्रीटमेंट शुरू करवा के मुझे कुछ भी करके उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकालना है। बस आप मुझे वो पैसे दे दीजिए। अगर टाइमली उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ भी करके मुझे 28 अगस्त की तारीख से लड़ना है। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। श्रीमती जी, रिकी तुम रो रहे हो। श्वेता, ये बारिश का पानी है, क्या बोल रही हो तुम? बारिश में तुम अपने आंसू दुनिया के सामने छुपा सकते हो, पर मेरे सामने नहीं। तुमने अपनी मॉम की सारी शर्तें मान ली है ना? हाँ श्वेता। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुम वो रिकी नहीं रहे। मतलब ये कि जिस रिकी को मैं जानती थी तो प्रॉब्लम से डरता नहीं था, बल्कि उसका सलूशन निकालता था, चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। अब वो ऐसे रोता नहीं था। और तुम अपनी मॉम की बातें इतनी आसानी से कब से मानने लगे रिकी? याद है जब हॉस्टल में हम शिमला घूमने जा रहे थे और तुम्हारी मॉम ने मना कर दिया था? मैंने पानी की पाइपलाइन तोड़ दी थी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी काट दिया था। करेक्ट। और उसके बाद तुम्हारी मॉम के पास तुम्हें जाने देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। रिकी, तुम कब से ऐसे बबलू के सामने अपने घुटने टेकने लगे?
तुम जुगाड़ लगाकर सबको चित कर देते थे यार। हमेशा करता रहूंगा श्वेता। इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है श्वेता। मेरे शरारती दिमाग में अभी भी एक जुगाड़ है। मैंने अपनी माँ से 6 दिनों की मोहलत ली है और मैंने उनसे कहा है कि 6 दिन के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए उनके पास वापस आ जाऊंगा। बस एक बार वो मुझे पैसे दे दें और मेरी श्रीमती जी का इलाज शुरू हो जाए, फिर मैं अपनी माँ के हाथ में नहीं आने वाला। सीधा अपनी श्रीमती जी के पास जाऊंगा। श्वेता, अगर मेरी माँ को गेम खेलना अच्छा लगता है तो उन्हीं का बेटा हूँ। Now that's like my Ricky. अब देखना, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और इंदिरा के ट्रीटमेंट के लिए मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। I'll try my level best. Thank you, Shweta. Thanks a lot. तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं अपनी श्रीमती जी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। Thank you for everything. Thank you so much. Ricky? I'm sorry, Shweta. वो जज्बात में बह गया था मैम। I'm really very sorry. Yeah! पब्ली नहीं मानेगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूं। हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द ये हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इंदिरा को पता चल गया ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। आप कौन से गड़बड़ होने वाली है शर्मा जी? कौन से धोखे की तैयारी में? शर्मा जी के साथ क्या कर रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे? बताओ, नहीं तो चप्पल से गाल ऐसा लाल करूंगी ना कि फिर से कुराफात करने के लायक नहीं रहोगे। बताते हो या वो आपने है ना मेरा मंदिर झिझोड़ दिया है और अपनी हालत के लिए ना मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा है। मैं मुन्ना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? अरे नहीं नहीं, घबराहट में पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है बेटा। इसका कहने का मतलब है कि तूने इसके जमीर को जगा दिया है और मंदिरा के हालात के लिए ये खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है, इसलिए अब उससे शादी करके प्रायश्चित करना चाहता ही। हाँ, यही मेरा मतलब, यही था, यही। तो मुझसे कौन सी बात छुपाई जा रही थी? वो मुझे लगा ना जो हुआ उसके बाद आप मानोगे नहीं, इसलिए मुझे है ना ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन अब तो आपको पता चल गया है ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं है ना मंदिरा को बहुत खुश रखूंगा। तो जैसा आप कहेंगी ना मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। आप हाँ बोलेंगी तो मैं हाँ करूंगा, आप ना कहोगी तो मैं ना कहूंगा। अगर आपको मंजूर है ना तो 80 रोका करने आ जाएंगे। हाथ छोड़ो मेरा। क्या कह रहे थे तुम? बबली मान जाना, अब वही चाहती थी कि मंदिरा की जल्द से जल्द शादी हो जाए। हैं, ये भगवान की इच्छा समझ ले। तुम इधर आओ। सच्ची में आऊं? इधर आओ। शर्मा जी 11 रुपए दीजिए। मैंने कहा 11 रुपए दीजिए, 101 नहीं मांगा है।
अपने छोटे जीजू की नजर तो उतार लो। इधर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तू खुश तो है ना? हाँ दी, पहले तो नहीं थी, लेकिन फिर जब पप्पू की फैमिली को देखा, उसके घर को देखा, उसके मॉम डैड को देखा, तो हाँ। देख मंदिरा, अब तू कोई गड़बड़ मत करना और मुझसे वादा कर कि तू हर रिश्तों को अच्छे से निभाएगी, क्योंकि तेरे बच्चे के लिए तुझे स्थिर होना पड़ेगा। वादा कर। लेकिन दीप, उस सबसे पहले मुझे पप्पू से एक बात क्लियर करनी है। साइड में चले? नहीं, यही ठीक है। शादी के बाद मैं शॉपिंग बहुत करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन है ना, उतनी मत करना जितनी तुमने मकाम में की थी। मेरा दिवाला निकल गया था। देख रहे शर्मा जी, कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों एक दूसरे के साथ। ऐसा लग रहा है कि मेड फॉर ईच अदर कपल, है ना? जगी धड़कन नहीं जाना, जिंदा हूं मैं तो अभी। ऋषि! अरे आराम से समझ गए। झूम बराबर झूम कब का खत्म हो चुका है श्रीमती जी, लेकिन आपके दिमाग से ना डांस का बुखार नहीं उतरा अभी तक। मेरे पास ऐसी न्यूज है ना, अगर आप सुनेंगे तो आप भी नाच उठेंगे। क्या है? बताओ। वो जो पप्पू चड्ढा है ना, वो मंदिरा से शादी करना चाहता है और आज शाम को रोका है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि मंदिरा जैसी लड़की भी तैयार होगी। सच में? अरे तो डांस करने वाली बात ही है श्रीमती जी। 11 रुपए खर्च करवा दिए, वापस लेने का नाम भी नहीं। ये बबली है ना, मैं तो वापस लेकर ही रहूंगा। ठीक हो ना? बाद में। श्रीमती जी, शादी के घर में ना 10,000 काम रहते हैं, निपटाना पड़ता है उनको। और शादी का घर संभालने के लिए ना इंसान को हेल्दी और तंदुरुस्त भी होना चाहिए, है ना? तो हॉस्पिटल चलते हैं आज, आपका ट्रीटमेंट शुरू करा देते हैं। आज? हाँ? ट्रीटमेंट? नहीं ऋषि, आज मंदिरा के रोके की तैयारी करनी ना, आज मुझे बहुत काम है, तो कल चलेंगे, ठीक है? छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही आपको? आपका ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे टाल सकती हैं आप? श्रीमती जी, गिने चुने 5 दिन बचे हैं और इन 5 दिनों में मैं आपकी पूरी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। कोई बात नहीं सुननी आपकी, समझिए आप, और ट्रस्ट करो ना मुझ पे। ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो आप भी ठीक हो जाओगी, आपकी हिटलरगिरी नहीं चलने वाली, मैं बता रहा हूँ। गिन चुन के 5-6 दिन ही तो बचे, उसके बाद मेरा ट्यूमर हो जाएगा। और वैसे मेरा जो ट्यूमर है ना, वो अभी एकदम लास्ट स्टेज पर है और मैं नहीं चाहती कि हॉस्पिटल जाकर मरूं मैं। देखिए, जो भी मेरे पास बचे हुए दिन है ना, उसे तो कम से कम मुझे हंसते खेलते गुजार लेने दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ जितने भी दिन बचे हैं वो खुशी से बिताऊं। और आप मुझसे प्यार करते हैं यानी? हाँ। तो बस, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मुझे नहीं रोकेंगे, बल्कि ये जो बचे हुए 5 दिन है ना, प्यार से और जिंदा दिली से और यादगार बनेंगे।